जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय 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 श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 गोपाल कृष्ण भगवान की श्री भगवद गीता मिया की सुखम त्रिदानि त्रिविधम श्रुणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमति यत्र दुःखान्तं च निगच्छति श्री भगवान श्री परमात्मा अर्जुन जी के प्रति कहते हैं हे भरत अर्षभ जैसे धृति अर्थात धारण करना इसके प्रकार भी तीन तरह के हैं बस उसी तरह उसका जो परिणाम अर्थात सुख सुख भी व्यक्ति तीन तरह से ही अनुभव करता भोगता है इसलिए भगवान कहते सुखम त्विदानी सुखम त्वम इदानी त्रिविधम जैसे दिखाई देता एक चीज मानो यदि यहाँ सुवर्ण की गिन्नी पड़ी हो सोने की तो छोटा बालक उसको पकड़ के क्या करेगा अपने हाथ से पकड़ के मुंह में रख लेगा उसको खाने की चीज नजर आती है ना और कोई यदि व्यवहारी व्यक्ति को दिखाई दे तो अपना भाग्य ऊंचाई पे समझेगा कि चलो आज सोने की गिन्नी मिल गई और यदि कोई निस्पृह फक्कड़ महात्मा देख ले बात क्या है निस्पृह जिसको कोई इच्छा कामना नहीं और फक्कड़ जो अपने आप में भी नहीं है ऐसा महात्मा यदि उस सुवर्ण की गिन्नी को देखे तो
गीता जी में स्पष्ट लिखा है, समलोष्टाश्म कांचन, क्या है उसके पहले, छठे अध्याय का है, जिसको लोष्ट अश्म और कांचन एक जैसे नजर आए। लोष्ट यानी मिट्टी, अश्म अर्थात कांचन, अश्म अर्थात पत्थर और कांचन अर्थात सुवर्ण, जिसको ये तीनों एक जैसे नजर आते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कुठस्थो विजितेन्द्रिय ज्ञान तृप्तात्मा, कुठस्थो विजितेन्द्रिय ज्ञान। जो ज्ञान अर्थात जानकारी, विज्ञान अर्थात कृतिशीलता, ये दोनों की जिसे जरूरत अनुभव नहीं होती, न कोई जानकारी हासिल करनी है और ना ही कोई कार्य करना है, ऐसे तृप्तात्मा उसको इस सोने की क्या जरूरत है, स्वर्ण से क्या मतलब है। तो भगवान कहते हैं उसी योगी को युक्त कहना चाहिए। युक्त इत्युच्यते योगी, युक्त इत्युच्यते योगी, समलोष्टाश्म कांचना, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कुठस्थो विजितेन्द्रिय ज्ञान विज्ञान। तो श्री भगवान कहते हैं कि भाई देखो, चीज तो एक ही है, सोने की गिन्नी कहो, सोने की अंगठी कहो, तो एक बालक क्या करेगा, उसको लगता कोई चीज है लेकिन चीज का परिचय नहीं, तो बच्चा क्या करेगा, उठा के अपने मुंह में पकड़ लेगा, क्योंकि मुंह में रखने की जो आदत ठहरी। लेकिन समझदार व्यावहारिक क्या करेगा, चलो रे बाप, आज सोने की अंगठी सोने की गिन्नी मिल गई, सौभाग्य जाग गए, चलो, और पहले कोई ना देख ले इसके पहले उठा लेगा, ताकि किसी की हो तो उठाकर झट से किसी ने तो नहीं देखा अपने जेब में रख लेगा। किंतु निस्पृही, बात शब्द को ध्यान रखना, निस्पृह और ज्ञान विज्ञान से परितृप्त भगवान की परिभाषा में, जिसको ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान अर्थात जानकारी, विज्ञान अर्थात कृतिशीलता, ये दोनों से जो परिपूर्ण है तृप्तात्मा, कुठस्थो, कुठस्थ का मतलब होता है एक ही स्थान, अर्थात जिसका मन चलायमान नहीं होता उसे कुठस्थ कहते हैं। और दूसरी बात, विजितेन्द्रिय, ऐसा महात्मा युक्त योगी वह सम लोष्ट अश्म कांचन, वह मिट्टी को, पत्थर को और सुवर्ण को एक मानता। हम मिट्टी को एक नहीं मानेंगे, ये जो मेरे पे मिट्टी है ना, ये इधर की मिट्टी तुम्हारी, इधर की मिट्टी हमारी, मिट्टी को भी झगड़ते। अश्म की तो बात ही छोड़िए, और फिर कांचन को तो कहना ही क्या,
सुवर्ण यदि मिल गया हो, सोना मिल गया हो, कीमती चीज मिल गई हो, लेकिन देखो जीते जी जब ये अवस्था आ जाती है, छा जाती है, जिसको कोई मतलब नहीं है, जिसको कोई मतलब नहीं, अरे भगवान से भी वह बड़ा है। भगवान भी जब आता है धरातल पे तो उसे प्रयोजन है, धर्म संस्थापनार्थाय, लेकिन धन्य है ऐसे महात्मा। चाह नहीं चिंता नहीं मनुआ बेपरवाह, चाह नहीं चिंता नहीं, चाह नहीं चिंता नहीं मनुआ बेपरवाह, चाह नहीं चिंता नहीं, जिसको कछु न चाहिए, जिसको कछु न चाहिए वह जग शहनशाह, चाह नहीं चिंता नहीं मनुआ बेपरवाह। जिसको कछु न चाहिए जिसको कछु न चाहिए पसानी पदम गम बम बम गम कर सा, जिसको कछु न चाहिए वह जग शहनशाह, चाह नहीं चिंता नहीं मनवा बेपरवाह, चाह नहीं चिंता मनवा बेपरवाह, मनवा बेपरवाह, मनवा बेपरवाह। जिसको चाह नहीं चिंता नहीं मनवा बेपरवाह, हमारे अजू भाऊ जैसे न उधर फोन करते हैं, अब डेढ़ महीना दो महीना, लेकिन कोई ना लेना देना, फक्कड़ महात्मा है भाई। अच्छा काम कर रहे पूरा ईमानदारी से, लेकिन कितना दोगे कोई आशा है? चाह नहीं चिंता नहीं मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए वह जग शहनशाह, ये शहनशाही है जिसको कुछ नहीं चाहिए। एक पुरानी घटना है कि सिकंदर एक महात्मा के पास गया, बोले तुम फकीर हो, मैं सिकंदर हूँ, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, तुम जो चाहो मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं तो विश्व विजेता जो ठहरा, मांगो क्या चाहिए। महात्मा कुछ न बोला, अरे सुनते हो मैं कौन बोल रहा हूँ, मैं सिकंदर हूँ, मांगो क्या चाहिए। महात्मा फिर भी कुछ न बोले, बहरे हो महात्मा, अरे आज तुम्हें जो चाहिए ये सिकंदर विश्व विजेता तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार है, मांगो क्या चाहिए। तो महात्मा कहता सिकंदर तू कहाँ का कलंदर मेरे बीच सामने खड़ा हो गया, मैं तो बढ़िया सोया हूँ, सूरज नारायण धूप दे रहे, धरती माँ शैया दे रही है, ये आकाश हवा का झोंका दे रहा, ये नदियां मुझे पानी दे दे रहे, मुझे किसकी जरूरत है, पेड़ की पत्तियां मुझे फल फूल दे देते हैं, मुझे क्या आवश्यकता है। सिकंदर भी जिसके सामने लज्जित हो गया, ऐसा महात्मा वह जग शहनशाह, क्या मांगता है इष्ट से, तू इष्ट का भी इष्ट है, अरे लोगों को जो नहीं छोड़ता मांगे बिना वो भगवान को क्या छोड़ेगा, अरे भगवान की पूजा करेगा तो भगवान, अरे लोगों को नहीं छोड़ता, चंदा इकट्ठा किए बिना जो नहीं रहता, तो भगवान को नहीं छोड़ेगा। लेकिन संत कहते क्या मांगता है इष्ट से, तू इष्ट का भी इष्ट है, तू इष्ट से भी श्रेष्ठ है, पर कामना से भ्रष्ट है। तो बात एक चीज की है कि एक सोने की गिन्नी यदि पड़ी है तो सबकी उपयोगिता भिन्न भिन्न इसलिए है
क्योंकि सबकी वृत्ति का सवाल है। बालक में वृत्ति पैदा ही नहीं, व्यवहार में बुद्धि तो है किंतु रजोगुणी है, और महात्मा में बुद्धि न रजोगुणी है न तमोगुणी का सवाल ही नहीं बनता, और सतोगुणी भी नहीं बल्कि गुणातीत सवुच्चते। और भगवान श्री कृष्ण का आदेश है अर्जुन को, त्रैगुण्य विषया वेद, त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ये वेद तुम्हें उलझाएंगे, वेद माने वेद भी होते, वेद माने जानकारी भी होती। जितनी जानकारी ज्यादा रखोगे तो उलझ जाओगे, इसलिए चाहे जितना कर्फ्यू हो लॉकडाउन हो, पागल को कोई लॉकडाउन नहीं होता और पागल को कोई कर्फ्यू नहीं होता। पागल बढ़िया आराम से घूम सकते, पता ही नहीं, कोई जानकारी ही नहीं रखता काहे का लॉकडाउन है और कहाँ का कर्फ्यू है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। बच्चों का अपराध कोर्ट भी फैसला नहीं कर सकता, बच्चे जो बालक है वे ही मालक बन जाते हैं, जो पागल है ना वे ही सबसे बड़े बन जाते हैं। इसलिए इन पागलों के बीच में भरे आनंद के लच्छे हैं। दुनिया तो पागल कहती लेकिन हम पागल ही अच्छे हैं, क्योंकि आनंद में रह रहे, तृप्ति में रहे, और तुम तो पता नहीं ये करूँ वो करूँ ऐसा करूँ इतना करूँ ऐ फला करूँ टीका करूँ, और ऊपर चले जाते हो। यार इतना किया तो ऊपर क्यों जाते हो, इधर बनाऊ उधर बनाऊ फला करूँ टीका करूँ ऐसा करूँ यूं करूँ त्यूं करूँ, करते करते मौत आ जाती। अपने खातिर महल बनाया आप ही जाके जंगल सोया, कोई नहीं पूछेगा तुमको, तुम्हारी अंत्येष्टि हो गई, तुम्हारी अस्थि विसर्जन हो गई या उसके पहले ही बंटवारे के लिए झगड़े शुरू हो जाएंगे, तुम कहा और हम कहा। कई तो पिता की अंत्येष्टि तक नहीं मनाते, खर्चा बचाओ, खर्चा बचा के किसी आश्रम को दे देंगे। अरे शादी का खर्चा बचा, सबसे बढ़िया बात तो है ये, तो अंत्येष्टि और दो दैहिक कर्म हमने करना ही चाहिए, तो उसको बचाते, जो उसके विषय में कर्म करना चाहिए उसे बचाते और शादी में ले नाचते, ये गुलचर्री उड़ाते। शादी को बचाओ, शादी को शादी कर दो, हिंदी में शादी नहीं बोलते शादी, तो शादी बोलते हो तो फिर शादी करो, तो वहां बड़ा भड़क्का लगाते हो। तो बात यह है, सुखम त्विदानी त्रिविधम, सुख के भी प्रकार तीन तरह के। देखो जैसे गुलाब का फूल खिला हो, और एक सौंदर्य प्रेमी आएगा तो उसको निहारते हुए रह जाएगा, सौंदर्य प्रेमी क्या करेगा, निहारते रहेगा, वाह 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 क्या बढ़िया है, तोड़ेगा तक नहीं, क्योंकि ये पेड़ में बहुत अच्छा लग रहा, इसको तोड़ लूंगा तो ये पौधे की शोभा नष्ट हो जाएगी। सौंदर्य प्रेमी क्या करेगा, निसर्ग प्रेमी, उसको तोड़ेगा नहीं छेड़ेगा नहीं, अच्छा लग रहा। जैसे हमारे बर्फानी बाबा फूलों को तोड़ने नहीं देते, किसी टहनी को तोड़ने नहीं देते, अच्छा लगता है ना। और दूसरा एक रजोगुनी आएगा, वो सोचेगा कि हाँ ये फूल अगर तोड़ के ले जाऊंगा और मेरी पत्नी यदि अपने भांग में अपने बेनी में लगा देगी तो मुझ पे बहुत खुश हो जाएगी, हो गया।
और एक सोचेगा कि अरे चलो ये भगवान मेरे भगवान के शीश पे मेरे भगवान के चरणों में कितना अच्छा लगेगा। हो गया। अब फूल तो एक ही है, एक फूल जो है जो भगवान को जाता है, एक फूल जो है अपने पत्नी के वेणी में लगता है, दूसरा फूल वही निसर्ग प्रेमी अपना आनंद लेके छुपाई रखेगा। हर फूल खिले साथ में किस्मत सभी की है जुदा, कोई तो चढ़े प्रभु पाद पर कोई तो पड़े धरनी अदा, कोई तो भक्तों की माला बनाने जा रहे, किस्मत सभी की यूं रहे प्रेतादि को पर छा रहे। तो ये सभी की किस्मत किसके कारण बदलती है? रजोगुनी आएगा तो फूल तोड़ के पत्नी के पास दे देगा, सतोगुनी आएगा तो फूल तोड़ के भगवान को लगाएगा, और निसर्ग प्रेमी आएगा तो वो सतोगुनी नहीं, तमोगुनी नहीं रजोगुनी है, वह तो आनंद लेता है भीतरी भीतर आनंद, और उसको प्रसन्न मन से वही रखने देता है। देखो चीज एक ही है लेकिन सुख के प्रकार बदल गए। भगवान कहते सुखम त्रिदानी त्रिविधम। भैया अर्जुन सुख के भी प्रकार तीन हैं, ऐसा मत समझना तुम भगवान के मंदिर में आए और भगवान का भजन कर रहे हो, यहाँ चल रहा सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रखे राम ताई विधि रहिए। उतने में एक दर्शनार्थी आया, उसको लगा अच्छा आनंद आ रहा, बैठ गया। जैसे कल दो लोग आए थे अपने हनुमान जी की आराधना में, बैठ गया, उसको हनुमान चालीसा कंठस्थ था तो लंबा चौड़ा गाने लग गए, वाह 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 बहुत अच्छा गाए। फिर धीरे धीरे एक फोन आ गया तो मोबाइल ने बेचारे को उठाया, वो मोबाइल लेके बाहर गया तो बाहर की हवा लग गई। फिर एक जन बैठा ही था तो उसने इशारा किया, बोले चलो, इनका तो सीताराम सीताराम चलते ही रहेगा, आधा घंटा हो गया पौना घंटा हो रहा। तो एक बड़े तल्लीनता से भगवान की आराधना करेगा, दूसरा बैठेगा और उबासी देगा, और तीसरे को कोई लेन देन नहीं भगवान से भी, कहाँ है भगवान, है ना। तो तीन तरह के सुख होते हैं, एक को जिस कार्य में तल्लीनता मिलेगी आनंद मिलेगा, दूसरे को वही आनंद थोड़े समय मिलेगा, और तीसरे को तो आनंद चुभोएगा। तीसरे को लगता है क्या लगाया भाई चिल्लाहट। तो सुखम त्रिदानी त्रिविधम, है ना, तीन तरह के सुख। तुम रास्ता चल रहे हो तो चलते समय पैर को, कई लोग अपने पैर का जो क्या होता साक्स या सास क्या साक्स जिसको हम पाय मोजा कहते, अब वो उतारते ही नहीं क्योंकि विदेशी कला है, विदेश बहुत ठंडा है तो विदेश में पहने रहना पड़ता। अब ये विदेश से घूम के आया तो ये भी अंधानुकरण करता हुआ पैर का निकाल, सोचता नहीं कि हमारा भारत उष्ण कटी प्रदेश है, यहाँ जो जमीन से सीधे नंगे पैरों चलेगा तो उसकी कम से कम 70% बीमारियाँ पृथ्वी खींच लेती, लेकिन पहने पहने रहता है, खुद को बड़ा समझदार मानता है और हीट को अपने माथे में जमा करके रखता है। तो ये ऐसे पैरों से चलेगा तो एक को बड़ा ठीक लगेगा, दूसरे को लगेगा कि अच्छी चप्पल पहनूं, तीसरे को लगेगा कोई पैदल चलेगा कोई आनंद लेगा, कोई अपने आयुर्वेद के ढंग से चलेगा कि हाँ पृथ्वी का नाम विषा है, मिट्टी का नाम विषा है, मेरा अतिरिक्त हीट को खींचने में ये पर्याप्त है, है ना। चलने के भी ढंग त्रिविध हो गए। खाना खाने बैठे हो
एक आदमी भगवान का प्रसाद समझ के पाएगा वह भगत है, दूसरा चिल्लाएगा ये सब्जी कैसी बनाई, और होटल में जाके मस्त खाएगा, होटल में कभी नहीं चिल्लाता ये कैसी बनाई, उसको तो मजा आता तरी में, वाह वाह क्या रस्सा बना क्या तरी बनी वाह बहुत अच्छे। अरे घर में बीबी है बच्चे है छोड़ के होटल में खाए बिना कुछ मन नहीं भरता, एक आदमी ऐसा भी है, दूसरा भगवान को भोग लगा के पाता, और तीसरा जैसा बना वैसा आनंद आता, बताओ है ना, चीज तो एक ही है ना लेकिन ढंग बदल जाते। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध यद्यपि इनके विषय एक ही है, कान का विषय शब्द है, त्वचा का विषय स्पर्श है, नेत्र का विषय रूप है, जिह्वा का विषय रस है, और नासिका का विषय, पांच ही विषय है, छठा विषय है ही नहीं। किंतु ये पांच विषय कैसे है, तो पांच त्रि पंद्रह, ये पंद्रह ढंग से अनुभव किए जाते, क्योंकि प्रत्येक सुख त्रिविध होता है, सुखम त्रिदानी त्रिविधम श्रुणु मे भरत ऋषभ। भगवान कहते मुझसे सुनो, मैं जो सुना रहा हूं ये तो त्रिविधा सुना रहा हूं, किंतु भगवान कहते हैं भरत ऋषभ मुझसे सुनो, मैं क्या कहाँ इशारा करता हूँ, सुखम त्विदानी त्रिविधम श्रुणु मे भरत ऋषभ। और ये अर्जुन अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। रजोगुण के कारण जिस विषय में सुख लगता है वह स्थायी नहीं है, तमोगुण के कारण जो सुख अनुभव होता है वह परिणाम में बहुत दुखतर होता है। तो प्यारे सबसे बढ़िया सुख यदि उपलब्ध करना है तो सतोगुणी सुख ही। तो आप कहेंगे कैसा करें, किसी को निंदा में मजा आता, आता या नहीं आता, किसी को झगड़ा करने में मजा आता, आता कि नहीं आता, अरे आपको नहीं लेकिन किसी की बात कर रहा है। किसी को शराब पीने में मजा आता, आता कि नहीं आता, किसी को चाय पीने में मजा आता, किसी को झूठ बोलने में मजा आता। भगवान कहते भाई जिसको तुम मजा कहते हो ये सब सजा है, ये कोई मजा नहीं है, मजे लो पार्ले की चॉकलेट, मजे लो। अब देखो ये सारी जो जितनी चॉकलेट है मजे के, ये एक न एक दिन सजा देने वाले होते। भगवान कहते असली मजा असली आत्म सुख तो वही है कि जो तुम सतोगुण से प्रेरित पाते हो। भगवत भजन में मजा नहीं आएगा फिर भी लो, हमारे अंबाराम भैया जाते ना सुबह उठ के, उनके साथी लोग चलते ना राम नाम गाते हुए हमारे पूरे कटघड़ा में घूमते सुबह सुबह, मजा लो। भले ही मन माने न माने करने का प्रयास करो। तो भगवान कहते सतोगुणी सुख ही सुख है। ये मांस मटन मछली खाने का जो मजा, तुम जिसका नाम भी उच्चारण नहीं करना चाहिए, अभी अभक्ष खाने में जो मजा आता है थोड़ा सात्विक पाकर देखो। और भगवान कहते अभ्यासात रमति यत्र, तुम अभ्यास करो, धीरे धीरे दूर रहने का अभ्यास करो ऐसी बातों से, तो बात बन जाएगी। भगवान कहते अभ्यासाद रमति यत्र दुखांतम च निगच्छति। और यदि तुमने अभ्यास के द्वारा अपनी वृत्ति को सतोगुण में लगाया तो तुम्हारे जिंदगी का दुख अंत हो जाएगा। अभ्यासाद्रमति यत्र दुखांतम निगच्छति। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
श्री भगवद गीता मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। नर्मदा मैया श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर।